खबर उन्नाव से है, जहां जुए की खबर लिखने पर अपराधियों ने खुलेआम दो पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर बेल्ट लात घूंसों से जमकर पीटा। जुए की खबर लिखने के बाद झल्लाए अपराधियों ने सरेआम घंटों पत्रकारों के साथ मारपीट की। सरेआम इस गुंडे का वीडियो पास के लगे एक सीसीटीवी में कैद हुआ। घटना में एक निजी अखबार के पत्रकार का सर फटने से वह बुरी तरह घायल भी हो गया, जबकि दूसरे पत्रकार का अपराधियों ने फोन तोड़ दिया। घटना में घायल एक पत्रकार को सीएचसी शुक्लागंज के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला गंगाघाट थाना क्षेत्र के कंचन नगर का है। यहां के रहने वाले एक निजी अखबार के पत्रकार अश्विनी गौतम के अनुसार, कुछ दिन पहले उन्होंने गंगाघाट में खुलेआम सज रही जुए की फड़ की खबरों को अपने अखबार में छापा था, जिससे खुन्नस खाए जिला बदर अपराधी मुन्ना माइकल उसके साथ सूरज निषाद अपने आधा दर्जन साथियों के साथ घात लगाकर बैठा था। जैसे ही अश्विनी अपने घर से सामान लाने निकला, तभी रास्ते में उसे घेर कर हमला कर दिया। बीच सड़क पर दबंगों ने करीब आधा घंटे तक तांडव किया। पत्रकारों को बेल्टों लात घूंसों से जान से मारने की नीयत से कुर्सियों और सिलेंडरों से हमला किया गया। रात करीबन 11:15 बजे हुआ था। 11:30 बजे के आसपास मैं अपने घर में बच्चों के लिए कंचन नगर पे फल ले रहा था। अचानक ये लोग कम से कम 10-12 की तादाद में 3-4 बाइकों के साथ आए, धारदार हथियार अवैध असलहे के साथ आए। ये लोगों ने जो है बात भी नहीं की और मारना पीटना चालू कर दिया और ये कहा कि तुम्हारे जैसे पत्रकार जो है ये व्हाट्सएप पर खबरें चलाया करते हैं और हम लोगों को खबरें चला के क्या कर लेंगे जब पुलिस का कुछ नहीं कर पाती। उक्त प्रकरण ये है कि ये लोग बुक चलाते हैं, नगर में बुक चलाते हैं और कई आपराधिक संलिप्तताओं में जो है लिप्त हैं और इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी हैं, हिस्ट्री शीटर भी हैं। और इन लोगों की हमने एक खबर चलाई थी बुक को लेकर, जिससे ये नाराज़गी अपनी जो है जताए और कल हमारे ऊपर हमला कर दिया। धारदार हथियार, ईंट पत्थर जो भी इनको मिला उसे। कौन मुख्य लोग हैं जो ये मुन्ना माइकल हैं जो कि ऋषिनगर में है, एक अपराधी है जो, और सूरज निषाद हैं, चीनू हैं, कल्लू हैं और बाबू हैं, मनोहर नगर में रहते हैं, और 4-5 अज्ञात लोग थे जिन्होंने हमला किया है। तो क्या रोल रहा पुलिस का, कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस का रोल ये रहा है कि अभी पुलिस ने ये बताया है कि कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हम कल रात को घायल अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में यहाँ पे आ गए थे, जिला अस्पताल हमको भेज दिया गया था। यहाँ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये हमको ज्ञात नहीं है। अभी तक की जो सुनने में मिला है, अभी तक की किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और ना ही कोई कार्रवाई चले। हम ये चाहते हैं उक्त लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जल्दी से गिरफ्तारी हो और उनके द्वारा ये जो किया गया कृत्य है कि राह चलते किसी को भी जो है मारना, ये लोग आज ने पहले भी कुछ कई बार कर चुके हैं। क्या ये जो बुक माफिया है, जो अपराधी है, क्या पुलिस से भी शॉर्टकट है? जी, ये अभी एक वीडियो है हमारे पास है जो 2 दिन पूर्व की है, वो पुलिस से भी उनको जो है मेलजोल, यही बुक चला रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस से उनकी साठगांठ भी चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी संलिप्त है। ताकि इतने दिनों से कार्रवाई नहीं हो रही है, खबर चल रही है, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, तो पुलिस संलिप्त है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।